चेहरा कमली है के लिए सर्वप्रथम मेरा परिचय। मुझे ही लोग कहते हैं मौजूदा बीटीसी ठाकुर विक्रम, रियासत शिवपुरी यानी ग्राम सभा शिवपुरी में अपन का जलवा है बाबा। शिवपुरी ग्राम सभा में मेरा मान सम्मान है। इस शिवपुरी ग्राम सभा में मेरे पगे राडर परिंदा पार नहीं मारता है। अगर कोई उल्लू का पट्टा अटैक करने की जरूरत करे तो ठाकुर विक्रम सिंह की गोलियों का। इतना ही नहीं, अगर ग्राम सभा शिवपुरी का मौसम बदलता है तो ठाकुर विक्रम सिंह से पूछकर बदलता है। और रही बात ये किस पंचवर्षीय में हम मौजूदा बीडीसी बनाए गए हैं, ये ग्राम सभा हमें बहुत मान सम्मान देती है। और एक मेरा दोस्त है जिसे कहते हैं प्रधान देशमुख चौधरी, प्रधान देशमुख चौधरी कि ये सब कृपा है जो आज मैं इस शिवपुरी ग्राम सभा का मौजूदा बीडीसी हूं। कल ही हम और हमारे दोस्त प्रधान जी दोनों लोगों ने शपथ ग्रहण ली है। अब मेरा तो फर्ज ये बनता है कि मैं अपने दोस्त प्रधान देशमुख चौधरी का मान सम्मान करने उनकी हवेली नहीं पहुंचा। सर्वप्रथम मेरा कदम उठता है अपने दोस्त प्रधान देशमुख चौधरी की चौपार की तरफ, उनका मान सम्मान करेंगे, उनको बधाई देंगे और आपस में बातचीत करेंगे। लीजिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों के सामने हमारा दूसरा सीन पेश होने जा रहा है। शिवपुरी ग्राम सभा के सात गांव के कोटेदार शिवराज कोटेदार।
डंका मेरा बच रहा, डंका मेरा कुंभ के अफलाक में, घर घर में है मेरे खौफ का नाम। जब तक है जिंदगी, अरे जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से, और बगावत जिसने की मार दूंगा उसे। सर्वप्रथम मेरा परिचय, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, थाना मरियामा, गांव शिवपुरी का रहने वाला हूं मैं। मेरे ग्राम सभा में सात गांव है, सात। मैं सात गांव का कोटेदार, मेरा नाम है शिवराज कोटेदार। पांच पंचवर्षी से क्वाटा चलाता हूं बुढ़ऊ, पूरे जलपा के साथ। लेकिन इस वर्ष इस पंचवर्षी में सरकार की बदौलत से हमारे ग्राम सभा की सामान्य सीट हो गई। एक मेरे बचपन के दोस्त हमारे क्लास फेलो हैं, जिनका नाम है देशमुख चौधरी। देशमुख चौधरी चार पांच वर्ष से हारे हैं, अब जाकर उनकी मेहनत सफल भाई बुढ़ऊ प्रधान हो गए। कल शपथ ग्रहण लेकर के आए हैं। आज पूरे सात गांव के ग्राम सभा का आदमी हमारे दोस्त देशमुख चौधरी को बधाई देने गई है। लेकिन हमें काफी समय हुआ, अभी तक नहीं पहुंचा। अरे नई नई प्रधानी है और कोटेदार मैं हूं, और अगर हम क्वाटा चलाना है तो प्रधान से बुढ़ऊ मिलकर। अरे जय भीम, हम तो कोई सूद चमार भोसड़ी के हैं नहीं, हम तो चमार रहे हैं। तो अपने की बात करो तो हमसे साले राम राम कहो हैं। एक बात बताओ, आज बहुत कहूँ लपक झपक चल रहे हो तो। अरे यार क्या बताऊं, काफी समय हो गया, हम लखनऊ में फंसे हुए थे। क्या लखनऊ में? हाँ, गल्ला लेने गया था। अच्छा, और इसलिए हमें हो गई देर। अब देख रहे अपने ग्राम सभा के देशमुख चौधरी जी को। हाँ क्यों नहीं, प्रधान होकर के आए, हम उन्हें बधाई देने तक नहीं पहुँचे। इसलिए सबसे पहले चलकर देशमुख चौधरी से मुलाकात करूंगा। दिल और दिमाग की ओर से चलो। चल आपके अभिमान कहो, इतनी आखिर के जितनी भिलैयत है, मेरे खिलाफ कोई बगावत के कदम वह ऊंची आवाज तो नहीं बोला जो अभिमान। मालिक, इस रैयत में किसकी इतनी हिम्मत है कि आपके सामने ऊंची आवाज में बात कर सके? शायद अगर बगावत करने की कोशिश भी करेगा, अरे जमीन और भी तख्ते हिल जाते हैं। अरे जमीन और भी तख्ते हिल जाते हैं फरमान से। अरे कौन ऐसा पीले भट्टा पाए प्रधान जी के, सर झुकाते आज अभी पे कुल जहां के इतना काहे को घबराता है रे। मालिक के सामने ठाई ठाई कर रहे हो, घुस गए क्यों अंदर, पक्का चले जाइबा। उरे मालिक, अभी देखा नहीं मेरे शान को, मालिक अभी देखा नहीं मेरे शान को, कहो तो एक घंटे में फांस लाऊं पूरन चमार को। उरे चप, ये पूरन चमार कौन है? मालिक एक नंबर का दरुहा। दरुहा जी मालिक। कैसा दरुहा? अगर मालिक कच्ची पियाई देओ तो
तो बीच बाजार में लाठी चलवा ले हो। अगर पक्की पिला दो, अगर पक्की मालिक पियाई दो तो ये गुनाई कतल दुई दुई करवाई ले हो। अगर इंग्लिश पिला दो तो, अगर मालिक इंग्लिश पियाई दो तो अपना ही मुंह कटवाई। आज से तुम ऐसे इंसान को अपने अंडर पे रखोगे? जी मालिक, आज से हम उसको अपने अंडे पे रखेंगे। उरे मुर्गी है क्या? यादी अपने कब्जे में क्यों तुम धमाल भरा चाहिए? ऐसे इंसानों की हमें हर बार जरूरत पड़ा करती है। वक्त आने पर ऐसे इंसान को मैं तेरे द्वारा बुलवा लूंगा। जी मालिक, वक्त आने पर हम अपने द्वारे बुलवा लेंगे। अरे तेरे द्वारे नहीं, तेरे द्वारा। अच्छा मालिक, तू धमाल भरा चाहिए। गांव सभा सुपरी का प्रधान देशमुख चौधरी, बिना मेरी मर्जी के यहाँ का मौसम भी नहीं बदलता है। जय मालिक। और बिना मेरी मर्जी के इलाके के अंदर परिंदा पर भी नहीं मारता है। हाँ हाँ मालिक। नौकर। जी मालिक। आज मैं नया नया प्रधान बनकर आया हूँ। हाँ मालिक। जनता आगी हो आती होगी क्योंकि मेरा मान सम्मान करने के लिए। हाँ मालिक। तुम ये काम करो। जी मालिक। ये राइफल संभालो। हाँ मालिक। अब थोड़ी देर के लिए मैं देश भक्त बन जाऊंगा, क्योंकि जनता जब ये अपने दिल में विचार करे कि देशमुख चौधरी प्रधान बहुत सच्चे ईमानदार इंसान। हाँ मालिक। हाँ मालिक। तेरी ड्यूटी सब। जी मालिक। वक्त इतना गवाया और कहां पर पता, सब्र होता नहीं बिना बताए। तो क्या बताऊं, और मैं प्रधान जी आपको काफी बहुत परेशान हूँ। जब मुलाकात होती और नहीं आपसे कर रहा सच्चाई जहां प्रधान जी, तुम तो जानते हो कल हमने और आपने शपथ ग्रहण ली है और कल से हमारी तुम्हारी मुलाकात भी नहीं हुई। तब से मैं काफी परेशान हूँ। मैंने कहा हमारे दोस्त प्रधान जी कहीं नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं भाई। हाँ देखिए पीटी जी, अब तो भाई प्रतिदिन मुलाकात होती रहेगी। क्यों नहीं, आप प्रधान हैं, हम बीडीसी हैं। देखिए दोस्त मान, आइए तस्वीर देखे, क्योंकि हमारी जितनी जनता है वो सब स्वागत करने के लिए जरूर आएगी। भाई बधाई देने के लिए जरूर आएंगे। हाँ, क्योंकि पार्टी चल रही है ना। आइए दोस्त मान। प्यारे भाइयों, हमें एक सच्चा ईमानदार समझकर तुम लोगों ने अपना कीमती वोट देकर हमें प्रधान बनाया। जी प्रधान जी। और ये मेरा वादा है कि 5 साल क्या, जब तक मेरी जिंदगी सलामत है, मैं किसी का दुख
नहीं देख सकता। प्रधान भैया सुने रहा आज पार्टी चल। हाँ प्यारे भाइयों इधर नजर डालो, वो कच्ची का ड्राम रखा है जहाँ भीड़ लगी हुई है, और इधर देखे देसी के ठेके खुलवा दिए हैं, इधर अंग्रेजी और बियर के ठेके खुले हैं। भाई जिसको जो ब्रांड पीना है वो जाकर जितनी इच्छा हो वो पी सकता है शराब। और सुनो पीने की व्यवस्था प्रधान जी ने की है और खाने की व्यवस्था हमने की है, समझे? मन चाहे जितनी पियो और मन चाहे जो कुछ खाओ। देखिए वो सब दुकानें लगी है खाने पीने की। रामू भैया हरीश नए है, हरीश भाई नया हो। अरे वो पीछे पीछे आज है चलो। लेग पीस खाना अगर जो इंग्लिश शराब पीना सविता पी जा रहे हो चलो ठीक ठीक और कम कम पीना ऐसा ना हो लेकिन पहुंचो बेटी सी जाओ सारे बूढ़ा उतरा हो जाए। हम जनता का स्वागत कर रहे हैं, वे भोसड़ी की बता रहे हैं जाओ बूढ़ा उतरा हो जाओ। साली ये किसान लोग क्या सोचेंगे अपने दिल में। प्रधान जी आप मालिक क्या बात कह रहे हैं, इतना इच्छा के अनुसार पियो और जब नहीं ज्यादा पी लिए हो को मूड भला हुआ पड़े हो। चलो कोई बात नहीं हटो साली। लेकिन मेरे दोस्त बीती थी कहो प्रधान जी सात गांव की जनता ने आकर मेरा मान सम्मान स्वागत किया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जो शिवराज कोटेदार है आखिर ये मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? क्या हमारी प्रधानी से उसे दुख है कोई? क्या हो सकता है भाई आपके दोस्त हैं, लेकिन कोई बात नहीं इंसान को देर हो सकती है, वो भी आएंगे आपका स्वागत करने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कोटेदार तो नहीं आ रहा। तो सामने से कोटेदार ही आ रहे हैं। ठीक है आइए बैठते हैं। सुराज भाई प्रधान जी गांव के अंदर ये जितनी जनता है कोई हमारी बुराई तो नहीं कर रहा दोस्तों? जरूर बताऊंगा कि गांव के अंदर तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है। क्या? हाँ मैं जानना चाहता हूँ दोस्तों। तो प्रधान जी आपके और हो वे मुझको खुशी जय जयकार कर रही है। जनता तो खुश है ही लेकिन कोटेदार बहुत खुश है। मेरे दोस्त ये सात गांव की जनता आकर हमारा मान सम्मान हमारा स्वागत किया। अरे दोस्त नजर डालो इधर, वो कच्ची का ड्राम भरा हुआ है शराब से, उधर नजर डालो देसी के ठेके खुलवा दिए हैं, और इधर देखो
ये अंग्रेजी और बियर के ठेके खुलवा दिए हैं। दोस्त मैंने जनता को आदेश दे दिया है कि जितनी पीना चाहो पी सकते हो। आइए दोस्त मन तशरीफ रखे। देख रहे हो भाई विक्रम सिंह, हमारे प्रधान जी की बात, जितनी गांव की जनता ये सबको कच्ची पक्की पिला रहे हैं और कोटेदार बीडीसी को सादा पानी तक नहीं पूछ रहे हैं। अरे तुम्हारा गलत सोच रहा है भाई कोटेदार। क्यों आए हो अभी अभी? हाँ हाँ, और खड़े ही रहोगे तो तुम्हारा मान सम्मान इसी तरीके से हो जाए। आप तशरीफ फरमाए, हमने और प्रधान जी ने बहुत व्यवस्थाएं की है यहाँ। मैं भी मौजूदा बीडीसी बन गया और प्रधान जी प्रधान बन गए। तशरीफ लिखे दोस्त मन। हाँ जाओ जाओ मेरे आराम कमरे से। हाँ मालिक। एक इंग्लिश की बोतल लेके आओ। जी मालिक। अब बैठिए बैठिए। क्यों नहीं कोटेदार भैया? प्रधान जी की हवेली में बहुत से कार्य। सच कहते हो? इसलिए कुछ कार्य में तुम भी हाथ। क्यों नहीं, जरूर बताओगे भैया, बताओ क्या काम बन रही। जाओ खाने पीने की व्यवस्था ये सभी करो। ठीक। ले पहनी प्रधान जी, जुबान लगती है क्या? देखो सोच समझ कर बेटा बोला करो, ये प्रधान जी हैं। ये तो का पहनी साले पानी बोलो साला, बता दे पहनी। ऐसा करो आराम से काम कियो। हाँ देखो हम नहीं दारू सारू पीते हैं। क्या बताया दारू सारू? बात वह ना है प्रधान जी। भाई ये नहीं जानता है कहाँ पे खड़ा है, क्यों नहीं पिएगा? मालिक हम जब पी नहीं थे ना घर में जाई थे तो मेहरुआ हमारे कहते तुम कुछ कही नहीं पावत। क्या बात यह है मालिक, आगे दिन हमारे मेहरुआ कहीं जाओ कुआं दे पानी भर लाओ। अच्छा और वही के जात रहे हो चू हम मालिक दड़बड़ाए के उठाए बाल्टी गए ना और चौखट में लटके बाल्टी बहरे गए हम कुआं में। इतनी मत पिया करो। शराब भाई उतनी पी जाती है जितनी अली शराब पे तुम सवार रहो, शराब के ऊपर ना सवार हो। देखिए आज पार्टी चल रही है, हम तीनों के साथ में थोड़ी सी तू भी पी ले। बैठो मालिक। क्या बात है, आज तो सब रंगीन ही रंगीन नजर आ रही प्रधान भैया। मालिक यह कौन ब्रांड है? अरे इसका नाम है एट पीएम। तो तुम यही का पीएम बोतल सील का मनु है तुम्हार? मनु है तुम्हार सील तो रावे। अबे बोतल की सील और साले क्या कोटेदार की सील तोड़ोगे? बैठो प्रधान भैया, अब है तोरे दे यही की काम अच्छी अच्छी सील है तोड़ डरे न बुढ़ाऊ। मिस जरूर कर दे कोटेदार भैया, हमका जानते हो आगे संघर्षी बनवा के देना है भल्लू लोहार तरते। अब है डायर की संघर्षी में अपनी खोले डे रहने न का तोरी तो ढकने की नाई खुली ससुरी। अरे क्या हुआ नौकर? क्या हुआ?
ये भाई संसी तेरी जान ले लेगी किसी दिन। क्या हुआ? ढिकनी अंदर है। कोटेदार नौकर को अपने बचाओ, नहीं तो मर जाएगा साले। कन्नी की सरी ढकनी है, हिला नहीं करता डारी। एक काम करो रे नौकर, ये संसी ऐसी जगह ना रखा करो। हाँ। तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। ऐसे तकलीफ होते तुम का? ऐसे तकलीफ होते का? चलो भाई तुम्हारे मन जाए। अरे बनाओ क्या अब्बा, तुम यार बोलो मत, अपना काम करो। कितनी देर बोलते हो और अपना हल्का पैर बनाना रे। और प्रधान जी के यहाँ साले बेइज्जती मत करवाना। यहाँ कोई रहा भूखा, कोई नजर लाग गई हुई, हम तुम चौपटा है ना, चार जन पे ही रहना है और नजर